हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैकेट, पैंट और कैप, ये तीनों चीज़ मैं आपको पूरे वीडियो में स्टेप बाय बताऊंगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 5 नंबर के कानाजी लिए हैं। ये ड्रेस हम 4, 5 और 6 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। गाइस, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, कंगन के, एयरिंग्स के, तिलक के, नेकलेस के वीडियोस बनाए हैं। आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, या तो चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने शॉल का एकदम मुलायम कपड़ा लिया है और ट्रेचेबल भी है। इनसे हमारा जैकेट बहुत ही अच्छा बनेगा, बनाना भी इजी है। तो इसकी लंबाई है 9 इंचेस और चौड़ाई इसकी 4 इंचेस है। अगर आपके कानाजी छोटे हैं तो 1 इंचेस कम करना है और बड़े हैं तो 1 इंचेस बढ़ाना है। इसी तरह से हम ये परफेक्ट नाप से जैकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काट कर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और दोनों पार्ट का सीधा भाग मैंने अंदर की तरफ रखा है और अच्छी तरह से यहाँ पे सेट करके हम टीच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच तक टीच किया है। बहुत ही आसान तरीके से हम ये जैकेट बना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हम गले पे इस तरह से सिंगल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। इसी तरह से करने से गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और चारों तरफ हम सिंगल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। तो चलिए पहले टीच कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, ये हमारी चारों तरफ टीच हो गई है। एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखना मैं किस तरह से मोड़ती हूँ। इस तरह से हमें सिंगल फोल्ड करना है और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देके हमें टीच कर लेना है। तो ये हमारी स्लीवलेस बन जाएगी। यहाँ पे मैंने जैकेट की स्लीवलेस लॉन्ग रखी है, आप शॉर्ट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने 2 इंच लंबाई रखी है और चौड़ाई इसकी 1 इंच रखी है। और ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी लंबी स्लीवलेस बनके रेडी है। दोबारा हम टीच कर लेंगे ताकि पक्का हो जाए, यहाँ से छूटे नहीं। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड भी टीच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड टीच कर लिया है और बीच में मैंने 1.5 इंच का गैप रखा था। गाइस, मैंने पहले भी बताया है। तो इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है पलटना भी। तो ये लंबी स्लीवलेस वाला जैकेट हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम पीछे क्या करेंगे, पीछे हम वेलक्रो अटैच कर देंगे। आप चाहो तो प्रेस बटन या उक भी लगा सकते हो, आपके पास जो भी हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे वेलक्रो अटैच कर रही हूँ। तो वेलक्रो को हम इस तरह से टीच करके अटैच कर देंगे।
तो देखिए गाइस, ये हमारी टिच हो गई है, तो कुछ इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 4.5 इंचेस और चौड़ाई इसकी 2 इंचेस है। इस तरह से सिंगल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से कैप बन जाती है। दोनों किनारों को जोड़कर हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, एक्स्ट्रा काट लेंगे और ऊपर की तरफ हम सुई और धागे की मदद से टाके ले लेंगे। इस तरह से हमें गोल गोल टाके लेने हैं और अच्छी तरह से धागों को खींच कर यहाँ पे हमें नॉट लगाना है और कैंची से काट लेना है। तो देखिए गाइस, इस तरह से पलट कर तो ये हमारी कैप बनके रेडी है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।